खबर राजधानी पटना से है, जहां कंकड़बाग में एक निजी हॉस्पिटल पर कोविड-19 के इलाज के नाम पर नाजायज पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया है। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। एक तरफ हॉस्पिटल के कर्मचारी थे तो दूसरी तरफ मरीज के परिजन। मनीष नाम के युवक के परिजनों का आरोप है कि उनसे पैसे के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था और जब उन्होंने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की तो उन्हें धमकाया गया और फिर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। वही हॉस्पिटल प्रबंधन का दावा है कि वह कोविड-19 का इलाज कर ही नहीं रहा है, हॉस्पिटल बंद है। विवाद बढ़ने के बाद इस मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। पेशेंट को और कहां से आप लोग इलाज करवाने के लिए कहां पर? नालंदा से लेकर आए पेशेंट को। हमारा पेशेंट कोविड का पेशेंट है, हम लोग का पेशेंट, तो हम लोग उसी को लेकर आए यहाँ पर कोविड के लिए। कहाँ पे आए आप लोग? ये ऑक्सीजन हॉस्पिटल में। अच्छा, यहाँ कहा गया कि इलाज होता है कोविड पेशेंट का? हाँ, यहाँ पे होता है पेशेंट का, इसलिए हम लोग लाए थे। किसने कहा? यहाँ के स्टाफ लोग नहीं बताया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग यहाँ पर लाकर एडमिट करवाएं। फिर हम लोग मनमाना पैसा वसूल रहे थे लोग, तो हम लोग कंप्लेन किए SDM साहब को। और उसके बाद जब SDM साहब आए और यहाँ पर जब सब कुछ बात हुआ, उन लोग वार्निंग वगैरह दिए, उसके बाद हम लोग को बुलाया गया ऊपर और डॉक्टर केबिन, और फिर मेरे साथ मारपीट करने लगे लोग बांध कर। उसके बाद फिर जब वो सब हो गया, उसके बाद फिर मेरा फैमिली लोग आए, तो मेरे फैमिली लोग को भी पकड़ के अंदर ले गया हॉस्पिटल, ये जो हॉस्पिटल चैम्बर उसमें ले जाकर उसमें मारपीट करेंगे। और उसका धमकी दिया गया कि तुम्हारे ये कर देंगे, वो कर देंगे। अस्पताल प्रबंधन क्या पहले बोला गया? हम लोग को बोला गया था कोविड-19 का मरीज, इसलिए हम लोगों ने बताया था। हाँ जी, हाँ, रिपोर्ट का कोरोना का रिपोर्ट दिए थे, रिपोर्ट वो लोग रखे हुए हैं। अब हम लोग को पता नहीं वो लोग डिस्ट्रॉय कर दिए, क्या कर दिए तो पता नहीं, लेकिन हम लोग से तो वो लोग ले लिया। आप लोग दिए हैं? जी, हम लोग दे दिए। मरीज आपका कोरोना पॉजिटिव था? जी सर। यहाँ इलाज करने के बाद कब आप जांच करवाए थे कोरोना पॉजिटिव का? यहाँ पर तो बोला गया कि आप लोग फिर से जांच होगा। अच्छा, तो वहाँ से तो हम लोग आए। यहाँ जब जांच हुई तो आपको क्या बताया? यहाँ पर जांच हुआ ही नहीं, कुछ ब्लड टेस्ट लिया गया और उसके बाद फिर बोला गया कि सीटी स्कैन होगा, इसको होगा, लेकिन हुआ नहीं, हुआ ही नहीं। और इससे तो क्या वहाँ पॉजिटिव आया? वहाँ पॉजिटिव था। कितना दिन पहले? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितना दिन पहले? 21 तारीख का सर, वहाँ पे 21 तारीख का एडमिट हुआ ना, 21 को आपको पॉजिटिव पता चला परिवार के बारे में, ये पॉजिटिव है जी। उसके बाद वहाँ से यहाँ परसों ले, परसों या कल लाए हम लोग, यहाँ परसों आए हैं। अब तक कितने का बिल यहाँ बना? अभी तक 80,000 कल पेमेंट जमा कर उसका बिल है। 80,000 का बिल है। बिल दिखाइए। 60 और 20 दिखा दो। 60,000 ये एक करके दिखाई ना, एक सर। एक्चुअली परसों हमारे पास एक मरीज आए जो बाढ़ के रहने वाले हैं। क्या नाम है? मरीज का नाम राजदेव है। प्रॉब्लम राजवीर। प्रॉब्लम था सर उनको कि जब वो आए तो बेचैनी की हालत में थे। उन्होंने अपना पेपर दिखाया हमें कि वर्धमान मेडिकल कॉलेज से वो 15-20 दिन पहले अपना ट्रीटमेंट करा चुके हुए थे कोविड का, और कोविड वहाँ से निगेटिव मिल गया था हमको। तो हम लोग को लगा कि ठीक है, और नॉर्मल पेशेंट है, क्या चीज़ के हैं देखते हैं। तो हम लोगों ने पेशेंट को रखा, ट्रीटमेंट किया, उनको स्टेबल किया। उसके बाद पता चला सर कि हम लोग को पता चला कि हार्ट अटैक आया है उनको, और हार्ट अटैक का बात हमने परिजन को बताया कि इनको हार्ट अटैक आया है, सीवियर हार्ट अटैक है। एक्चुअली हार्ट की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है स्पेशलाइज, तो आप किसी हार्ट हॉस्पिटल में इनको जितना जल्दी शिफ्ट कर लीजिए तो बेटर होगा इनके स्वास्थ्य के लिए। परिजन लोग उसके बाद सर क्या करने लगे, कभी DM साहब के यहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ से जाँच की टीम आ गई कि हम लोग कोविड का मरीज रख रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जाँच किया, देखा तो उनको कुछ मिला भी नहीं, और परिजन लोग हंगामा कर रहे हैं। जब ले जाने की बात करते हैं तो वो तोड़फोड़ करने लगते हैं, बसरोबाजी करने लग रहे हैं। अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई है जी, अस्पताल के बाहर सर बहुत हंगामा। अस्पताल के अंदर डॉक्टर को मारने के लिए वो लोग ईंट पत्थर लेके आ गए। हम लोगों ने डॉक्टर चैम्बर का गेट बंद किया, उन्होंने बाहर से लगा जैसे ग्रिल तोड़ के अंदर आ जाएंगे, और बहुत हंगामा किया सर। जिला प्रशासन की टीम भी आई थी जी। क्या हुआ? वो लोग आए, उनको समझाया कि ठीक है, वो जिला प्रशासन की टीम ने भी बताया पेशेंट को कि आप यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। जांच भी किया गया था क्या? हाँ, उन्होंने कुछ पेपर का जांच भी किया, ये भी देखा, और उन्हें मिला कि यहाँ कोविड नहीं है। अच्छा, कुल कितने का बिल था मरीज का और मरीज को लेकर कहीं ना कहीं हंगामा था। मरीज का कुल बिल 40,000 रुपया का था, 8,000 रुपया उन्होंने जमा किया था और 32,000 रुपया उनका बाकी था। तो उनको रिसेप्शन के स्टाफ ने बोला कि आप कुछ बिल जमा कराइए, तो बिल के बात पर वो लोग भड़क गए। आखिर हंगामा इसी बात पर हुआ था या कोई और? वजह तो वही लग रही है कि बिल की बात पर इन लोगों ने हंगामा किया है। ऑक्सीजन की कमी वगैरह ये सब नहीं है? नहीं सर, चूँकि कोविड पेशेंट नहीं रख रहे हैं तो ऑक्सीजन का ज़्यादा कमी यहाँ पे होती नहीं है सर। जो सिलेंडर हम लोग को मिल रहा है उतना पर्याप्त हो रहा है। क्या नाम होता है? मेरा नाम चंदन सिंह है। क्या है सर? अरे बात कीजिए।